हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बीकॉम में भी आता है और एमकॉम में भी आता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम समझने वाले हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम इसका एक इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे, मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हम इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, इसके फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसका स्कोप क्या होता है वो भी हम साथ में समझेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजरल इकोनॉमिक्स, देखिए आपके दो वर्ड से बना हुआ है, मैनेजरल मतलब मैनेजमेंट वर्ड से बना हुआ है, मैनेजरल है ना, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट का मीनिंग आई होप आपको सब कुछ पता ही होगा, क्योंकि आप अगर 12th क्लास भी आपने पढ़ी होगी। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करना, इफेक्टिव और एफिशिएंटली तरीके से, यानी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, सब आता था। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना, उसकी स्टडी करना। और इकोनॉमिक्स आप जानते हैं कि दो तरीके की होती है, माइक्रो और मैक्रो। या तो आप एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो, या तो पूरे कंट्री की स्टडी कर रहे हो, और उनकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सोल्व करने को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमी की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करा जाए, उस स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सो मैनेजमर अब मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है फिर? ठीक है, मैनेजर इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट को देना, और मैनेजर उसकी हेल्प से डिसीजन ले पाए, अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर पाए। सो मैनेजमेंट क्या करेगी, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अपने डिसीजन मेकिंग लेगी, तो उसे मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, बहुत सारी इकोनॉमिक्स में थ्योरी बनी हुई ना, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ प्राइस, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज है, बहुत सारे इकोनॉमिक थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन उसकी करेंगे, उसकी एप्लीकेशन करेंगे रियल लाइफ में, यानी कि मैनेजर को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन करेंगे जिससे मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प हो। यानी कि बिजनेस में कोई अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को दूर कर पाए सिर्फ और सिर्फ किससे, मैनेजरल इकोनॉमिक्स से। तो बात समझ में आ रही है? तो मैनेजर इकोनॉमी में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज है, उसको अप्लाई करते हैं और उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। तो अब देखो, हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया मैनेजर इकोनॉमिक्स का, मैं थोड़ा आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग, किसी के पास हो सकता है पढ़ने को नोट्स ही ना हो, तो वो यहाँ से भी बना सकते हो। और मज़े की बात यह है कि मैं ये वाले जो नोट्स है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसका लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नोट्स आप पढ़ भी सकते हो, जिससे आपको कोई हेल्प अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि आपको अगर नोट्स नहीं है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो मैनेजर इकोनॉमिक्स का हमने इंट्रोडक्शन पहले आप सब देख रहे थे क्या है, तो जैसे क्या लिखा हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, अ स्ट्रीम दैट कम्बाइंस द इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, है ना, इकोनॉमिक थ्योरी को और मैनेजरल डिसीजन मेकिंग को कंबाइन कर देता है, उसे मैनेजर इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। यानी कि मैनेजरल डिसीजन मेकिंग में ये जो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट लगाए गए अब, उसे मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो जाएंगे मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के साथ। इट इक्विप्स द मैनेजर विद अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स। मैनेजर क्या करेगा, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक को यूज करेगा, विद द हेल्प ऑफ मैनेजर टेक वेरी डिसीजन, इसमें बड़े सारे डिसीजन लेगा अपने रियल मार्केट सिचुएशन के अनुसार। मतलब अभी क्या चल रहा है, मान लो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, या अभी मान लो स्टॉक मार्केट डाउन चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए इस वक्त कंपनी को, वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी आप यहाँ से लिख सकते हो, देखो, अकॉर्डिंग टू मैंस फील्ड, अकॉर्डिंग टू मैंस फील्ड डेफिनेशन दे रखी है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स
एन इकोनॉमिक एनालिसिस, जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं या थियो कॉन्सेप्ट्स है, टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रैशनल मैनेजर डिसीजन, जो मैनेजरल डिसीजन में जो प्रॉब्लम आती है उसमें अप्लाई करना, ठीक है, उसको अप्लाई करना ताकि हम अच्छे तरीके से मैनेजर डिसीजन ले सकें। अब बात करें मैनेजर्स, मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स भी दो तरीके की होती है, वैसे मैनेजर इकोनॉमिक्स दो तरीके की, वही माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी, माइक्रो मतलब छोटी, सिर्फ इंडिविजुअल के लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, उसे इंडिविजुअल इसलिए बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पूरा नेशनल लेवल पे बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेचर, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। देखो ये अप्लाइड इन नेचर है, यानी कि इसमें मैनेजर क्या करते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करते हैं, ये अप्लाइड नेचर है। इसमें इकोनॉमिक थ्योरी मॉडल को अप्लाई करा जाता है, इसलिए अप्लाइड इन नेचर हो गया। ये साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। साइंस इसलिए है बिकॉज ये डिसिप्लिन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो इसलिए डिसिप्लिन आ गया। बहुत सारी थ्योरीज होती है इसके अंदर इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए साइंस है। तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन कैसे करें, कि हमारे पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, पैसा कम है, लेकिन उस कम पैसों से कैसे ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट ला सके, तो ये साइंस होती है। साइंस यही तो है ना कि कम से कम चीज़ों से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सके। आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अप्लाई करना पड़ता है। जहाँ पर अप्लाई आ गया, नॉलेज को अगर अप्लाई कर रहा है आपने, तो आर्ट चाहिए। आर्ट का मतलब यह है कि हर एक बंदा अलग अलग तरीके से अप्लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। आर्ट का मतलब क्या हो गया कि हर एक बंदा अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है ना। फिर डायनेमिक है, यानी कि ये इसमें क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, मार्केट सिचुएशन जब डिफरेंट होती रहती है तो आपको बदलना पड़ता है अलग अलग तरीके से, क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट जब बदलता है तो आपको भी अपने सारी के सारी डिसीजन मेकिंग को बदलना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है आपको मार्केट के अनुसार। प्रोग्मेटिक, ये एक प्रोग्मेटिक नेचर है, मतलब इसमें मैनेजरल डिसीजन को प्रॉब्लम को सोल्व करा जाता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोग्मेटिक, क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं मैनेजरल की, समझ आ रही बात। नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव का मतलब होता है, जैसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि ये क्या हो सकता है, मतलब ओट क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, उस पर फोकस कर जाता है कि अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो क्या होगा, वो करूँ तो क्या होगा। हुआ कुछ नहीं अभी तक, लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि भाई क्या होगा, क्योंकि अगर मैंने ये अप्लाई करा तो क्या हो सकता है, ये अप्लाई कर क्या हो सकता है, अजम्पशन के बेस पर काम करते सारा कुछ। इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि इसमें सिर्फ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें डिसिप्लिन बहुत सारे आते हैं। मैथमेटिक्स भी लगेगा आपका, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें लगती है, स्टैटिस्टिक्स भी लगता है इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग भी लगेगा, साइकोलॉजी भी लगेगी, तो बहुत सारे डिसिप्लिन है, तो इसे इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। अजम्पशन के ऊपर काम करता है, लिमिटेशन होती है, क्योंकि जो भी थ्योरी बनती है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, वो यूनिवर्सल नेचर का नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है। आप जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी में भी कुछ अजम्पशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होगा, ऊपर अप्लाई तो नहीं होगा अंतरिक्ष में, इसलिए अजम्पशन होती है। अब हम थोड़ा स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप, देखिए स्कोप की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, स्कोप का मतलब इसमें क्या क्या हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मैनेजर इकोनॉमी इसमें क्या क्या आता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर स्टडी करेगी, कंज्यूमर की डिमांड कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, एस्टिमेट कैसे करा जाए, प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, इनपुट आउटपुट थ्योरी कि भाई फर्म कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है कम से कम इनपुट से, प्राइसिंग भाई प्राइस कैसे डिसाइड करा जाए जिससे हमारा खर्चे पूरे हो जाए और माल भी ज़्यादा बिके, कंपटीशन कम से कम हो, प्रॉफिट मैनेजमेंट कि प्रॉफिट को कैसे मैनेज करा जाए, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना कि भाई फ्यूचर की अर्निंग क्या होगी, सेल कितना रखनी पड़ेगी, तो ये प्रॉफिट कैसे बढ़ा जाए उसमें बहुत सारी स्टडी करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है, प्रॉफिट प्लानिंग करेंगे उससे हम स्टडी कर सकते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक कितना होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं हो कम भी ना हो, तो उसके ऊपर बड़े सारी होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्टडी करते हैं, बहुत सारी स्टडी होती है। फिर बात करें एडवर्टाइजिंग भी आता है इसके अंदर। अब आप कहोगे एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है भाई इकोनॉमिक्स में, होता है देखो मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या करेगा, बड़े सारे मेथड लगाता है, जैसे कि उसको अगर एडवर्टाइजिंग बजट अपना डिसाइड करना है
तो वो इकोनॉमिक्स से ही तो होगा ना कि भाई कितना बजट रखूँ, कितना पैसा अगर लगाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि भाई आपको इकोनॉमिक्स करना है, मतलब कम से कम पैसों से ज़्यादा रिजल्ट कैसे आगे। तो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है बिज़नेस को, तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते कई बार, परसेंटेज ऑफ सेल्स अप्रोच, पैरिटी अप्रोच, कि बजट कितना रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग से फ़ायदा कैसे हो। तो प्लानिंग जहाँ पर आगी ना, तो वहाँ इकोनॉमिक्स आ जाएगी। कॉम्पिटिशन को अगर मुझे वहाँ पर डिसीजन लेना है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन की स्टडी करनी है तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स में आता है, आपको पढ़ा होगा मोनोपोली मार्केट होती है, ओलिगोपोली मार्केट, वो हम पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। तो वो कंपटीशन की स्टडी करवाएगा आप इकोनॉमिक्स आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में था। हमने आज की वीडियो में क्या समझा, इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन समझी, नेचर, अप्लाइड इन नेचर, साइंस, प्रोग्मेटिक, डायनेमिक, इंटरनेशनल नॉर्मेटिव, ठीक है। फिर हमने समझा उसका स्कोप क्या है, स्कोप हमने समझा कि भाई देखो इसमें हम कंज्यूमर डिमांड की स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन की, प्राइसिंग की, प्रॉफिट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, कंपटीशन। उम्मीद करते हो अच्छा आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।